जॉगर्स, जॉगर्स का आज देखेंगे कि इसका बेल्ट कैसा लगता है, बेल्ट मशीन से कैसा बेल्ट इसमें लगेगा। पिछली वीडियो में देखा है कि बॉटम जॉगर्स का कैसे बनाया जाता है, तो आज देखेंगे कि इसका जो बेल्ट है, बेल्ट कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले ये बेल्ट में काज होते हैं जिसमें लेस लगते हैं, नाड़ा लगता है। जैसा आप जानते हैं, अगर बेल्ट जो 40 इंच का है, समझो 40 इंच का साइज का बेल्ट हमको लगाने का है, तो जो बेल्ट काटेंगे, जो बेल्ट कटा रहता है वो हमारा लगभग 54 इंच रहता है। ये 27 डबल हो गया, 54 इंच, 54 इंच का बेल्ट रहेगा। दोस्तों, दीवान गारमेंट को सबसे पहले सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद लाइक कर लीजिए। आज वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, देखेंगे पूरा प्रोसेस बेल्ट का। ये 27 इंच 54 इंच का समझो बेल्ट है, 27 डबल, जिसमें लास्टिक लगाएंगे। वो लास्टिक देखिए कितने इंच का हम इसमें लगाएंगे। लास्टिक का जो साइज रहेगा वो रहेगा 40 इंच। 40 साइज का बेल्ट है, 40 साइज का कमर का जींस है, तो हम इसमें जो लास्टिक लगाएंगे वो भी 40 साइज का लगाएंगे। उसके बाद बेल्ट का जो सिरा है, दोनों सिरा है, दोनों पकड़ के उसको हम जोड़ लेंगे, ऐसा जोड़ लेंगे। और ऐसा लास्टिक का भी जो दोनों सिरा है पकड़ के हम उसको थोड़ा जोड़ लेंगे, एक मजबूत सिलाई लगा लेंगे कि जिससे वो अंदर कभी उसका जोड़ खुले ना। उसके बाद ये बेल्ट के अंदर हम इसको पूरी तरह पैक कर देंगे, और ऐसा सिलाई मारेंगे कि लास्टिक पे जो इलास्टिक है उस पर सिलाई चढ़े नहीं, जिससे उसका जो गैदरिंग बराबर आवे, चारों बाजू एक बराबर गैदरिंग उसका बना रहे। क्योंकि मेन कार्गो में वही है जॉगर्स में कि इसका जो गैदरिंग है वो बराबर बना रहे। ये देखो गैदरिंग पूरी तरह बन गया है, एक बराबर चारों बाजू गैदरिंग पूरी तरह बन गया है। पूरी तरह बनने के बाद देखो ये बेल्ट मशीन पे आ गया। बेल्ट मशीन नॉर्मल बेल्ट मशीन है जिससे बेल्ट चढ़ता है जींस में, वो बेल्ट मशीन पे है। बेल्ट मशीन पे हम इसको दो सिलाई लगा के, अंदर वाली दो स्टिच लगा के इसको बराबर हम सिलाई मार लेंगे, जिससे इसका जो गैदरिंग है वो पूरी तरह फील हो जाए, लास्टिक पूरी तरह सिलाई से दब जाए, सिलाई से पूरी तरह हो गई। ये देखिए पूरी तरह ये सिलाई लगने के बाद इसका जो गैदरिंग है बराबर बेहतरीन लग रहा है, और नीचे जो चैन स्टिच है ये देखो चैन स्टिच भी बराबर दिख रही है। ये बेल्ट मशीन नॉर्मल बेल्ट मशीन है जिससे हम बेल्ट लगाते हैं। ऐसा ही जो इसका फोल्डर है, इसका फोल्डर बाहर करके ये हम चैन सिलाई स्टिच ऐसा इसके लिए लगाते हैं कि पीस का जो गैदरिंग है बराबर बैठे, और पीस का जो लुकिंग है वो पूरी तरह से मस्त दिखे, बराबर दिखे। ये देखिए ये पूरा पूरी तरह ऐसा बेल्ट मशीन से लगने के बाद फिर कारीगर के पास आता है। कारीगर जो पीस है, पीस में जो इसका जोड़ है आधो आध आधे तरफ, तो इसको पहले हम थोड़ा थोड़ा स्टिचिंग कर लेते हैं, सिलाई लगा लेते हैं, जिससे जो बेल्ट बराबर बैठे, चारों बाजू बेल्ट बराबर बैठे। फिर जो काज है, काज को देखेंगे कि हम बीचों बीच जो अपना फ्लाई है, चैन का फ्लाई है, उसके बीचों बीच रख के इसको हम चारों बाजू से एक बराबर सिलाई लगा लेते हैं। देखिए चारों बाजू से एक बराबर जो चैन स्टिच बेल्ट है उसका एक टाप छोड़ के लगभग हम पूरे बेल्ट में, पूरे पीस में सिलाई लगा लेते हैं कारीगर से। ये देखिए ये सिलाई पूरी तरह लग गई है। सिलाई लगने के बाद इसको हम, जो कारीगर ने सिलाई मारा है, इसको हम वहाँ लॉक कराएंगे। ये देखिए सिलाई मारने के बाद इसका गैदरिंग बराबर चारों बाजू बैठ रहा है। उसके बाद इसको हम वहाँ लॉक पे आएंगे, वहाँ लॉक कराएंगे, जिससे कि इसका जो गुजर बाहर ना निकले और पीस का फिनिशिंग 100% बढ़ जाए। ये देखिए बराबर वहाँ लॉक हो गया है। वहाँ लॉक होने के बाद फिर एक कारीगर के पास जाएगा एक सिलाई लगाने के लिए। ये देखिए वहाँ लॉक पूरी तरह सेम धागे से, मैचिंग धागे से हो गया है। अब इसके पास फिर कारीगर के पास आएगा, कारीगर इसमें जो है नीचे एक टाप की सिलाई मारेगा,
जिससे जो वह लॉक हुआ है वो पूरी तरह बैठ जाए, नीचे तरफ पूरी तरह बैठ जाए और पीस का जो लुक है वो अच्छी तरह निखर के आवे। देखिए सिलाई पूरी तरह लग रहा है। एक टाप छोड़ के सिलाई मारेंगे क्योंकि जो बेल्ट का हम चेन सिलाई मारे हैं उसे एक टाप नीचे मारेंगे तो पीस का जो लुक है वो एकदम बेहतरीन हो गया है। ये देखिए सिलाई लग गई और पूरी तरह ये जगर्स रेडी हो गया है। इसका गैदरिंग अब इसमें ये जो काज है इसमें लेस लगाना खाली बाकी है, जो वाश के बाद लगेगा, कलर होने के बाद लगेगा। ऐसा ये जॉगर्स का बॉटम का आपको नेक्स्ट वीडियो में बताइए। ये जॉगर्स जॉगर्स का का पूरा प्रोसेस है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।